तीन अमीर और दो गरीब बहू की ठंड। पद्मिनी की पांच बहुएं थीं। जहां उसकी तीन बहुएं बेहद अमीर घराने से ताल्लुकात रखती थीं, वहीं दो बहुएं बेहद गरीब घर से थीं, जिस कारण न सिर्फ उन्हें सास की बल्कि तीनों अमीर बहू के ताने बाने भी सुनना पड़ता था। रोजाना की तरह दोनों गरीब बहुएं रसोई घर के कामों में जुटी हुई थीं। हिमानी बहू, अरे ओ हिमानी बहू, अरे ओ हिमानी की बच्ची जिंदा है कि निपट गई? आई माँ जी। हाथों में चाय लिए हुए हिमानी हॉल में आती है। ये लीजिए माँ जी चाय। क्यों री मेरी गरीब बहू, चाय बना रही थी कि बीरबल की खिचड़ी, इतना बखत लगता है। माँ जी अब घर बार का सारा काम काज भी तो इतना है कि दिन भर काठ की कठपुतली की तरह नाचना पड़ता है। आहा, अरे मेरे जमाने में तो एक अकेली लुगाई घर भर का काम नाच कर देती थी, और तुम दो जन भी कम पड़ रही हो। मेरी तीनों बहुरानियों के लिए चाय क्या तेरा बाप लाएगा? माँ जी तीनों देवरानी भी अपना हाथ पाँव भी तो चला सकती है। क्यों तेरे हाथ पाँव में घुन लगा है? चुपचाप जा और चाय लेकर आ। जी माँ जी। सास की बात सुनकर हिमानी बुदबुदाते हुए रसोई घर आती है। जाने सासू माँ सिर्फ हम दोनों बहुओं के साथ ये बुरा बर्ताव क्यों करती है। ऐसा जान पड़ता है हम दोनों इस घर की बहू नहीं बाई हैं। आजकल के दौर में लोग उनसे भी इतने बेरुखी से पेश नहीं आते होंगे। जाने ये तीन रिहायशी तितलियाँ ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाती है माँ जी को, जो माँ जी इनका तो गुणगान किए रहती है और हमारी गरीबी की हंसी उड़ाने का एक मौका नहीं छोड़ती। हिमानी, कुड़कुड़ाने से कुछ हासिल ना होगा, क्योंकि यहाँ हम गरीब बहुओं को सुनने वाला कोई नहीं है। गरीब बहुओं की बातों में उनकी बेबसी सीधे तौर से साझा हो रही थी। जहां दो गरीब बड़ी बहुओं की दशा नौकरानी से भी निराली थी, वहीं तीन बहुएं छोटी होने के बावजूद सारा दिन बस हुक्म चलाती। समय के साथ सर्दियों का आगमन हो जाता है। हॉल में बैठी पद्मिनी की तीन अमीर बहुएं कहती हैं, सासुमा सर्दियां आ चुकी है, आप तो जानती हैं कि सर्दियों को लेकर मेरे कितने शौक है, इसलिए मैंने डैडी से कहकर हम चारों के लिए न्यू हीटर मंगवाया है, ताकि हम चारों ठंड से बच सके। माँ जी, कल ही मैंने भी सर्दियों की खूब सारी शॉपिंग की है। ये देखिए, खास आपके खातिर मैं ये पश्मीना की शॉल लाई हूँ। तोहफे देना क्या तुम तीनों बहू को आता है, मैंने भी तुम तीनों के लिए नई रजाई बनवाई है। माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे ना थी, तुम्हारे कमरे की रजाई पतली हो चली है। मैं नहीं चाहती कि मेरी तीनों बहुएं रात भर ठिठुरे, इसीलिए बिना देरी किए मैंने रजाई बनवा दी। और फिर तुम्हारी सास के पास पैसों की कमी क्या है? अचानक पद्मिनी की दो बहुएं भी बोल पड़ती हैं। माँ जी, अब जब आपने देवरानी जी के लिए रजाई बनवाई है, तो लगे हाथ मेरे और हिमानी के लिए भी रजाई बनवा देती। समाचार में सुनने को आ रहा है कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ सर्दियां पड़ने वाली हैं। ऐसे में हम दोनों बहुएं इस पतले दुबले कंबल से कैसे काम चलाएंगी? आहा, क्यूरी मेरी गरीब बहुओं, पद्मिनी के पास में क्या पैसे के पेड़ लगे हैं? अभी मेरा हाथ तंग है, जब कभी पैसे होंगे तो देखा जाएगा। मगर माँ जी, कुछ देर पहले तक तो आप कह रही थी कि आपके पास पैसा ही पैसा है। पद्मिनी का गुस्सा देखकर तीनों अमीर बहुएं मौके का फायदा उठाते हुए फूट डालना शुरू करती हैं। इसका मतलब हमारी ये गरीब जेठानियां आंखें गड़ाए बैठती है, बात बात में हमसे बराबरी करना जरूरी है क्या जेठानी जी? अमायरा, तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं हो जो हम तुम्हारी देखा देखी करें। देख लीजिए माँ जी, हमारी ये गरीब जेठानी जी कहाँ का गुस्सा कहाँ उतार रही है। एकदम खरा बोल रही है आशना बहू तू। चौका बर्तन करने में मेरी गरीब बहू के हाथ पांव जवाब दे जाते हैं, मगर बोलते वक्त जुबान गज भर की हो जाती है। ऐसा कहकर पद्मिनी चली जाती है और आहाना कहती है, हमारी सासू माँ की गरीब बहू, तुम चाहे कितने भी पापड़ बेल लो, मगर हम तीनों की जगह कभी नहीं ले सकती। हमारी किस्मत कोहिनूर के हीरे जैसी है, और तुम उस गरीब गलीचे थाक में पड़े उस कीच के समान हो, जिसे देखकर लोग नाक सिकोड़ते हैं।
ऐसे ही कई सप्ताह बीत जाते हैं जिसके साथ बेतहाशा सर्दियां बढ़ जाती है, जहां एक ओर अमीर बहुएं अपने गद्देदार बिछौने पर भारी भरकम रजाई में मजे से सो रही थी, वहीं बेचारी गरीब बहुओं को सर्दी की सारी रात एक पतले दुबले कंबल में काटना पड़ता है। एक सुबह, क्या हुआ हिमानी, तुम्हारा चेहरा इतना फीका और बेजान क्यों लग रहा है? रात में सही से सोई नहीं क्या? दीदी, सर्दियाँ इस कदर बढ़ चुकी है कि उस कंबल से जाड़ा नहीं जाता, ठिठुरते हुए सवेरा हो जाता है। हिमानी, कप कपाने के सिवा हम कर भी क्या सकती हैं? सासु माँ ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए। खैर, तुम चाय पानी का काम देख लो, आज मैं बर्तन मांज देती हूँ। दोनों बहुएं कामों में जुट जाती हैं। जैसे ही सुरभि बर्तन धोने के लिए नल खोलती है, पानी बेहद ठंडा आता देखकर वो अपनी सास के पास आती है और वो अपने कमरे में रजाई ओढ़कर हीटर के पास बैठी थी। क्या बात है मेरी गरीब बहू, इधर उधर नजर क्यों दौड़ा रही है? चोरी करने का इरादा है क्या? माँ जी, मैं पानी गर्म करने की मशीन खोज रही हूँ, सर्दियाँ बेतहाशा बढ़ गई हैं। रसोई घर के नल से बेहद बर्फीला पानी आ रहा है, ठंडे पानी से हाथ जमने को हो रहा है, तो अब महारानी को बर्तन मांजने धोने के लिए गर्म पानी चाहिए। बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? कोई मशीन नहीं मिलेगी, ये फुहरपन छोड़कर जल्दी काम निपटा, समझी? गरीब बहू को खरी खोटी सुनाकर एक बार फिर पद्मिनी अपना पल्ला झाड़ लेती है। बेचारी गरीब बहू हर दिन सर्दियों की मार झेलती है, ना तो उनके तन पर स्वेटर होता है और ना ही शॉल। ऐसे में उनकी सास पद्मिनी कभी जानबूझकर बेचारी बहुओं को सर्दियों में ठिठुरती बाजार भेजती, मगर एक रात पद्मिनी की तबीयत बेतहाशा बिगड़ जाती है। उसके कराहने की आवाज सुनकर दोनों गरीब बहुएं वहां आती हैं। माँ जी, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? जी जी, सासू माँ तो सर से पांव तक तेज बुखार से तप रही हैं। हिमानी, तुम जल्दी से माँ जी के लिए अदरक तुलसी का काढ़ा बनाओ। इतना सुनकर हिमानी रसोई घर का रुख कर लेती है, साथ ही सुरभि पद्मिनी को ठंडे पानी की पट्टियां देना शुरू करती है। वो कभी उसका हाथ पांव मल रही थी तो कभी सर सहला रही थी। कुछ देर बाद, ये लीजिए जीजी काढ़ा। माँ जी, ये काढ़ा पी लीजिए, ये जाड़े को जड़ से खत्म कर देगा। देर रात को जागी दोनों बहुएं सास की सेवा बाड़ी में बिहान कर देती हैं। तभी तीनों बहु सास के कमरे में आती हैं। गुड मॉर्निंग सासुमा। सासुमा, क्या हुआ, ये आपका मुंह मरीज जैसा क्यों लग रहा है? अमायरा, देख नहीं रही, माँ जी बीमार है। ऐसा ना हो कि माँ जी के फीवर का फ्लू हम तीनों को लग जाए। माँ जी, आप आराम कीजिए, हम बाद में आती हैं। पद्मिनी तीनों बहुओं की बहानेबाजी को भांप जाती है और बोलती है, मुझे तो लगा था कि तुम तीनों यहाँ मेरा हाल चाल पूछने आई हो, मगर सास को बीमारी के बिछौने पर पड़ा देखकर तुम तीनों ने अपने तेवर दिखा ही दिए। हिमानी सुरभि, अपनी सास को माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारी गरीबी की हंसी उड़ाई, शायद इसी कारण भगवान ने मुझे ऐसा भुगतान दिया है। माँ जी, बीती बातों को याद करके दुखी ना होइए, जो हुआ उसे बिसार दीजिए। सास की बात और गरीब बहू का भला बर्ताव देखकर तीनों अमीर बहुओं का सर जमीन में गड़ जाता है और आहाना कहती है, जेठानी जी, हम तीनों ने आपको हर बार गरीबी के ताने दिए, हर जगह हमने आपको नीचा दिखाया, अमीरी के गुमान में मगरूर होकर हमने आपकी गरीबी की खिल्ली उड़ाई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जेठानी जी, मेरे डैडी कहते हैं कि जब छोटे से भूल हो जाए तो बड़े उसे माफ कर दे, हमको माफ कर दीजिए, तुम तीनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। गरीब बहुओं के भले आचरण के बदौलत पद्मिनी अब पहले जैसी न रही, साथ ही अब बहुओं के बीच से अमीरी गरीबी की दीवार खत्म हो गई थी और अब चाहे सर्दी हो या गर्मी, पांचों बहुएं मिलजुल कर बिना कुड़कुड़ाए काम काज करती थी। सच है साथियों, पारिवारिक रिश्तों की डोर रुतबे पैसे से नहीं बल्कि प्यार की पत्तियों से जुड़ी होती है। जब देखो यहाँ से वहां घूमती रहती है, अरे इन्हें तो कोई काम ही नहीं दिखाई देता, इतनी सर्दी है और मुझे इतनी सर्दी में इन्हें अब ढूंढ कर लाना होगा।
रूपा अपनी जैकेट पहनकर कमरे से बाहर निकलती है और जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। माँ जी, अरे कहाँ पर हो आप? सुबह से ये टाइम हो गया, अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया गया तुमसे। अरे अभी तक सो रही हो क्या? तभी बेचारी शकुंतला ठंड में कांपते हुए रूपा के पास आती है और उससे कहती है, बहू मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए बस दवाई खाकर आराम कर रही थी। ओहो, देखो तो जरा महारानी के कितने बहाने हैं। अरे जब देखो दवाई खाती रहती हो, जब देखो आराम करती रहती हो, कभी थोड़ा काम भी कर लिया करो। बहू, घर के सारे काम तो मैं ही करती हूँ। हाँ हाँ, तो कौन सा मुझ पर कोई एहसान करती हो? जाओ रसोई में देखो कितने सारे बर्तन इकट्ठे हो चुके, जाकर उन्हें धो लो और मेरे लिए नाश्ता भी बना देना। ठीक है बहू, धो लेती हूँ, लेकिन मुझे पानी गर्म करने वाली रॉड दे दे ताकि मैं गर्म पानी करके बर्तन धो लूं। पानी बहुत ठंडा है, मेरे हाथ सुन्न हो जाते हैं ठंडे पानी में। अच्छा, तो अब गर्म पानी से तुम्हें बर्तन धोने हैं? अरे बिजली का बिल तुम भरती हो क्या? वो कौन भरेगा? देखो मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं सारा पैसा बिजली के बिल में लगा दूं। चुपचाप जाकर ठंडे पानी से ही बर्तन धो लो। बेचारी शकुंतला चुपचाप जाकर ठंडे पानी से ही बर्तन धोने लगती है। ठंडे पानी में बर्तन धोने की वजह से उसका पूरा शरीर गर्म हो जाता है और उसे बुखार चढ़ जाता है, जिसके बाद वो आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और अपने बेटे को याद करने लगती है। बेटा कहाँ है तू? मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। जब से तू विदेश गया है तू तो अपनी माँ को भूल ही गया है। आज अगर तू यहाँ होता तो तेरी माँ के ऊपर इतना अत्याचार ना होता बेटा। बेचारी शकुंतला अपने बेटे की तस्वीर को देखकर रोने लगती है, जिसके बाद वो रोते हुए रूपा के पास जाती है और उससे कहती है, बहू कई महीने हो गए हैं मुझे अपने बेटे से बात किए हुए, एक कॉल लगाकर मेरी बात मेरे बेटे से करवा दे। क्या कहा? तुम्हें तुम्हारे बेटे से बात करनी है? अरे वो क्या वहाँ पर फालतू में बैठे हैं जो तुमसे बात करेंगे? अरे दो रोटी चुपचाप खाई नहीं जा रही क्या तुमसे इस घर के अंदर? रूपा फिर से अपनी सास को जली कटी बातें सुनाती है, जिसके बाद बेचारी शकुंतला चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम होते होते रूपा अपने कमरे में रजाई के अंदर घुसकर शकुंतला को आवाज लगाने लगती है, माँ जी, अरे कहाँ हो आप? जरा यहाँ आओ मेरे कमरे में। रूपा की एक आवाज पर बेचारी शकुंतला बुखार में भी दौड़ती हुई रूपा के कमरे में आ जाती। हाँ बहू, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? अरे परेशानी क्या होनी है, शाम हो गई है, क्या तुम्हें अभी तक खाना बनाने की सूझबूझ नहीं आई है? बहू मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, मैं खाना कैसे बनाऊंगी? तभी रूपा गुस्से से उठती है और अपनी सास के बाल पकड़ लेती है। देख बुढ़िया, अगर तुझे इस घर के अंदर रहना है तो इस घर के काम भी तुझे ही करने पड़ेंगे, नहीं तो मैं तुझे घर से लात मार कर भगा दूंगी, फिर ठंड में इधर उधर सड़क पर पड़ी रहना। अरे मर भी गई तो कुत्ते भी तुझे नहीं पूछेंगे। ये सुनने के बाद बेचारी शकुंतला रोने लगती है और रोते हुए बुखार में भी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। खाना बनाते बनाते वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही रूपा रसोई में आती है, वो अपनी सास को बेहोश देखकर खुद से कहती है, हे भगवान, कहीं ये बुढ़िया मर तो नहीं गई? मेरे पास तो इसके कफन के लिए भी पैसे नहीं है, क्या करूं अब इसका। रूपा सर्दी में बेचारी शकुंतला को उठाकर अपनी कार में डाल देती है, जिसके बाद वो उसे एक सरकारी हॉस्पिटल के बाहर ले जाकर छोड़ देती है। रात भर बेचारी शकुंतला बुखार में वहीं तड़प रही होती है, तभी एक आदमी की नजर उसके ऊपर पड़ती है और वे उसे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करा देते हैं, जिसके बाद डॉक्टर शकुंतला का चेकअप करते हैं और उस आदमी से कहते हैं, अच्छा हुआ आप सही समय पर इस बूढ़ी औरत को यहाँ पर ले आई, नहीं तो इस बुखार के चलते इस बेचारी की तो मृत्यु ही हो जाती। फिलहाल तो पेशेंट खतरे से बाहर है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, पता नहीं कौन है कैसी है, इस बेचारी का कोई इस दुनिया में है ही या नहीं, अब तो इसके होश आने पर ही पता चलेगा। बेचारा वो आदमी हॉस्पिटल की फीस भरकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद जब शकुंतला को होश आ जाता है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल के अंदर देखती है। अरे मुझे यहाँ कौन लेकर आया? शकुंतला सबसे पूछती है लेकिन उसे कोई नहीं बताता, जिसके बाद शकुंतला अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मैं तो खाना बना रही थी, अगर मैंने समय से खाना नहीं बनाया तो रूपा मुझे घर से निकाल देगी। ऐसा सोचकर बेचारी शकुंतला ठंड में ठिठुरते हुए वापस अपने घर पहुंच जाती है। जैसे ही रूपा उसे देखती है, वो गुस्से से उससे कहती है, आ गई महारानी, अरे कल रात कहाँ चली गई थी? शकुंतला को कुछ भी याद नहीं होता, जिसके बाद वो अपनी बहू से कहती है, बहू मुझे नहीं पता मैं यहाँ से हॉस्पिटल कैसे पहुँची, मुझे माफ कर दे, मैं अभी खाना बना देती हूँ। अरे खाना वाना मैंने सब बना लिया, एक काम करो जाओ रसोई में जाकर बर्तन धो लो। बेचारी शकुंतला चुपचाप जाकर बर्तन धोने लगती है।
शकुंतला के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, जिसकी वजह से वो अपनी बहू के इतने अत्याचारों को सहन कर रही थी। वो सिर्फ एक ही उम्मीद में थी, मेरा बेटा विक्रम जब आएगा तो सब कुछ ठीक कर देगा। ऐसा सोचकर वो रोज रोज जी रही थी और हर रोज अपने बेटे के आने का इंतजार करती रहती थी। वहीं दूसरी तरफ जब भी वो अपनी बहू रूपा से अपने बेटे से बात करने के लिए कहती तो रूपा उसकी बात भी नहीं करवाया करती थी। एक दिन बहुत तेज ठंड होती है और इतनी ठंड में हल्की हल्की बारिश भी होने लगती है। उसी समय रूपा अपनी सास शकुंतला से कहती है, अरे माँ जी देखो सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, जाओ सबसे पहले कपड़े धो लो नहीं तो बारिश तेज हो जाएगी। लेकिन बहू मैं बारिश में कपड़े कैसे धोऊंगी, अगर बारिश में कपड़े धोऊंगी तो मैं पूरी भीग जाऊंगी और मुझे सर्दी लग जाएगी। जब देखो काम चोरी करती रहती हो, अगर अभी के अभी कपड़े धोने नहीं गई तो मैं तुम्हारा सारा सामान बांध कर तुम्हें यहाँ से रफा दफा कर दूंगी। ना चाहते हुए भी शकुंतला को ठंड में आंगन में बैठकर कपड़े धोने पड़ते हैं। हल्की हल्की बूंदें शकुंतला के ऊपर पड़ रही थी। बेचारी इतनी ठंड में कपड़े धोते धोते सुन्न पड़ जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है, जिसके बाद रूपा उसे बेहोश देख अपने आप से कहती है, ये लो जी ये तो फिर से बेहोश हो गई। एक काम करती हूँ, आज तो इसका कल्याण ही कर देती हूँ, आज तो मैं इस बुढ़िया को जिंदा ही दफना दूंगी। रूपा देखते ही देखते वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद देती है, जिसके बाद वो अपनी जिंदा सास को उसमें दफनाने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ शकुंतला का बेटा विक्रम आ जाता है और उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। रुक जाओ, ये तुम मेरी माँ के साथ क्या कर रही हो? विक्रम शकुंतला को जैसे ही देखता है, शकुंतला की सांसें चल रही होती हैं, जिसके बाद वो गुस्से से रूपा को एक जोरदार तमाचा मारता है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को जिंदा दफनाने की? विक्रम तुरंत अपनी माँ को घर के अंदर लेकर जाता है और उन्हें बिस्तर पर लिटा देता है, जिसके बाद वो किसी तरह अपनी माँ को होश में लाता है। जैसे ही शकुंतला होश में आती है, वो अपने बेटे को अपनी बहू की सारी करतूतें बताती है, जिसे सुनने के बाद विक्रम अपनी पत्नी के खिलाफ कंप्लेन लिखवा देता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है और वो अपनी पत्नी रूपा से तलाक भी ले लेता है। उस दिन के बाद से विक्रम अपनी माँ शकुंतला का अच्छे से ख्याल रखता है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है। जौनपुर गाँव में रहने वाला बब्बन लोगों के कपड़े इस्त्री किया करता था। उसके बदले में जो दाम मिलता है उसी से उसके घर का दाना पानी चलता था। बबन की बेटी शिखा भी पिता के इस काम में उसका बहुतायत हाथ बटाया करती थी। गुजरते समय के साथ शिखा सयानी हो चुकी थी। अब बबन को अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी। शिखा बेटी, मुझे तुझसे बेहद जरूरी बात करनी है। हाँ बाबूजी, कहिए ना, क्या बात है? देख बिटिया, तेरी माँ तो बरसों पहले हमें छोड़कर जा चुकी है। मैं जानता हूँ कि मैं तेरी माँ की जगह नहीं ले सकता बेटा, मगर अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बेहद अहम है। अब तू सयानी हो चुकी है और तेरे हाथ पीले करने की जिम्मेदारी तेरे पिता के कंधों पर है। अगर तेरे दिल में कोई है तो बिना शर्माए बेझिझक होकर अपने बाबूजी को बता दे बेटा। नहीं बाबूजी, मेरे जीवन में कोई नहीं है। अगले ही दिन से बबन शिखा की शादी के लिए सैकड़ों रिश्ते तलाशता है। आखिरकार उसकी तलाश अंत में जाकर बलिहारी गांव में रहने वाले बैरागी के बेटे कर्मा पर खत्म होती है और वो दिन आता है जब शिखा की शादी कर्मा से कर दी जाती है। विदाई की बेला पर बबन शिखा से बोलता है, बिटिया कुछ पल पहले तक तो सिर्फ मेरी बेटी थी, मगर अब तू किसी के घर की बहू बन चुकी है। अपने पिता की पगड़ी को उछलने मत देना बेटा। अगर कभी सुख दुख में बदल जाते हैं तो स्वार्थी ना बनना बेटा, बल्कि उस दुख की घड़ी में अपने ससुराल की सारथी बनना, ठीक है? ये बोलते हुए बबन बेहद भावुक हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू छलक जाते हैं। बारात दुल्हन के साथ विदा हो जाती है। कुछ देर बाद शिखा अपने ससुराल पहुँचती है, जहाँ बैरागी उसका स्वागत करते हुए बोलती है, शिखा बहू इस कलश को अपने पैरों से भीतर बिखेर दे। जी सासू माँ। सभी रस्मों के खत्म होने के बाद देर रात शिखा और कर्मा अपनी शादी की सुनहरी शुरुआत करते हैं। समय यूं ही गुजरता जाता है। एक दिन की बात है, अम्मा मैं काम पर जा रहा हूँ। हाँ मगर आज जरा जल्दी आ जाना कर्मा, सांझ को मंदा मौसी की बेटी गुड्डन की सगाई है, उन्होंने आने का निमंत्रण भेजा है। ठीक है अम्मा, आ जाऊंगा।
उसी पल बैरागी अपनी बहू के कमरे में आती है। अरे शिखा बहू, सांझ को कोई अच्छी सी साड़ी पहन लेना, मंदा मौसी की बेटी की सगाई में जाना है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। कुछ देर बाद, माँ जी मेरी साड़ी में बहुत ज्यादा सिलवट पड़ गई है, आप इसे इस्त्री करवा लाएंगी? बहू, इस्त्री करना तो शहरी लोगों की चोचलेबाजी है। गांव देहात में रहने वाले लोग इस्त्री किए हुए कपड़े थोड़ी पहनते हैं, और बलिहार गांव में दूर दराज तक एक भी इस्त्री करने वाला भला मानस नहीं। अगर इस्त्री के आस में बैठी रही तो सांझ से बिहान हो जाएगा और मंदा की बेटी की सगाई का सफर शादी तक पहुंच जाएगा। तब तक भी गांव में इस्त्री आना मुमकिन नहीं। बैरागी की ये बात सुनकर शिखा चुप्पी साध लेती है। कुछ दिन बीतते हैं, एक सांझ कर्मा टूटे मन के साथ घर आता है, जिसे देखकर बैरागी बोलती है, अरे क्या हुआ कर्मा बेटा, तेरा चेहरा बुझा बुझा सा क्यों लग रहा है? क्या बताऊं अम्मा, हर बार की तरह इस बार भी मदन सिंह ने मेरे मेहनताने में घपला किया, और जब मैंने आवाज उठाई तो बिना पैसे दिए मुझे छुंच हाथ से भट्टी से निकाल दिया, और अपनी रईसी के धौंस का इस्तेमाल करके कारखानों से लेकर खेतियर किसानों तक मेरे लिए बुरा बखान करके कमाने का कोई जरिया तक नहीं छोड़ा माँ। अजी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब गुजरते समय के साथ घर के सीमित संसाधन जवाब दे जाते हैं, जिसे देखकर शिखा कहती है, घर की दशा एकदम दुर्बल हो चुकी है, ऐसे में हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों ना मैं इस गांव में स्त्री का काम शुरू करूं, जिससे गांव की सभ्यता और बढ़ेगी, और जो चार पैसे आएंगे उससे घर का चूल्हा तो उदास ना पड़ेगा। इसके बाद शिखा कोयले की एक स्त्री खरीद कर ले आती है, जिसे देखकर बैरागी बोलती है, बहू ये स्त्री तू कहां से खरीद लाई है? माँ जी मैंने कंगन बेचकर ये स्त्री खरीदी है, इस वक्त हमारे घर की दशा दुर्बल है, गहने तो फिर गड़वाए जा सकते हैं, मगर परिवार नहीं मिलता है, आज से मैं स्त्री का काम शुरू कर रही हूँ, आपको सिर्फ मेरी छोटी सी मदद करनी है, आप सभी को बस स्त्री की ये खबर दे दीजिए। क्यों नहीं बहू, जब बात बलिहार की बदलाव की है तो बैरागी अपनी बहू का भरसक साथ देगी। बैरागी पूरे गाँव गढ़ में स्त्री की बात बताती है। अगले दिन धानी शिखा के पास आती है, शिखा बहुरिया बिहाने हम के बिहा में जाए के है, ई तनिक हमरी साड़ी इस्त्री कर दो, और ई हमरे मरद का कुर्ता भी तनिक अच्छे से इस्त्री कर दो। हाँ हाँ धानी दीदी, क्यों नहीं, बस 5 मिनट दीजिए, मैं झट से इस्त्री कर देती हूँ। शिखा बड़े ध्यान के साथ जल्दी से धानी की साड़ियाँ इस्त्री कर देती है। ये लो धानी दीदी, आपकी साड़ी बड़े अच्छे से इस्त्री हो गई है। अरे वाह शिखा, तुम तो हमारी साड़ी को जात ही बदल दी, सचमुच इस्त्री किए हुए कपड़े की बात ही निराली है, साड़ी पर पड़ी सिलवट छू मंतर हुई गवा। इस्त्री हुए कपड़ों में हुआ बदलाव देखकर धानी गरीब बहू की बहुत बड़ाई करती है और पैसे देकर चली जाती है। अब एक दूजे की देखा देखी गांव गढ़ के अधिकाधिक लोगों में इस्त्री किए हुए कपड़े पहनने की होड़ होने लगती है। एक दिन मंदा शिखा के पास आती है, उसे देखकर बैरागी बोलती है, अरे मंदा तू यहाँ क्यों रे बैरागी, मेरे यहाँ आने पर मना ही है क्या? वैसे भी मैं तुझसे नहीं शिखा बहू से भेंट करने आई हूँ। शिखा बहू, तुझे तो पता ही है कि इसी महीने में मेरी गुड्डन का ब्याह है, घर में सगे संबंधियों का जमावड़ा लग चुका है, सब शहर में रहने वाले हैं, इसीलिए बिना इस्त्री किए कपड़े पहनते नहीं, तू इनके कपड़े इस्त्री कर देना। क्यों नहीं मंदा मौसी, आप किसी के भी हाथ कपड़े भिजवा देना, मैं इस्त्री करके भेज दूंगी। सभी जन शिखा के इस्त्री किए हुए कपड़ों से बेहद संतुष्ट थे। अब शिखा पूरे बलिहारी गांव में इस्त्री करने वाली बहू के नाम से जानी जाने लगी थी, और ये खबर गांव के सरपंच स्वराज के कानों में पड़ी। फिर क्या था, उसी रोज वो अपनी धौंस जमाने के लिए सास बहू के घर अधमकता है। सरपंच जी, आप हम गरीब के द्वार पर पधारे हैं। तुम दोनों सास बहू की बेहूदगी इस कदर बढ़ गई है कि मुझे आना ही था। क्यों सरपंच जी,
ऐसा क्या कर दिया हमने? बेशरम लुगाई, ये बलिहारी गांव है, यहाँ कोई भी बेटी बहुएं घर की दहलीज से बाहर नहीं जाती, और तू सरेआम स्त्री का काम कर रही है। सरपंच जी, इसमें बुराई ही क्या है? मैंने लोगों के कपड़े स्त्री करने का काम इसलिए शुरू किया है क्योंकि ये गांव उजाड़ था। मैंने सिर्फ उन्हें सभ्यता में सींचने की कोशिश की है, जिससे आज पूरा बलिहार बदल चुका है। नजरें घुमाकर देखिए। सरपंच लोगों के पहने हुए बदलाव को देखता है, जिसके बाद उसके सभी सवाल और शब्द निरर्थक साबित हो जाते हैं। बैरागी, मुझे माफ कर दे, रोष में आकर मैं नीरा बलिहारी में हुए बदलाव को भांप नहीं सका और तुझ पर बेबुनियाद लांछन लगाया। मेरी कहा सुनी को माफ कर देना। सरपंच जी, हम सभी काठ की कठपुतलियां हैं, हम सभी से गलती हो सकती है, मगर हम इस बात को झुठला नहीं सकते कि आज जमाना जिस तेजी से बदल रहा है, हम गांव गढ़ के लोग उनके जितना तेजी से भले ना बढ़े, मगर छोटी छोटी कोशिश ही बड़े बदलाव का कारण बनती है। एकदम खरी बात कही है तूने बहू, अब से सरपंच भी सभी जन के जैसे स्त्री किए हुए कपड़े पहनेगा। शिखा की सुनहरी सोच से बलिहारी में बदलाव आ चुका था, अब उसके घर की गरीबी भी दूर हो चुकी थी। स्त्री करने वाली बहू की बदौलत आज बलिहारी का नाम एक सभ्य गांव की श्रेणी में शुमार है। शिखा की तरह हमें भी सोच और नजरिए को नया आयाम देने की जरूरत है। दोनों सास बहू युवराज के इंतजार में अलग अलग पकवान बनाकर तैयार कर रही थीं, तभी सास निर्मला कहती है, अरे इच्छा बहू, अब मुझसे इंतजार नहीं होता, बस जल्दी से मेरा बेटा मेरे गले लग जाए। एक साल बाद आज घर जो लौट रहा है बाहर से नौकरी करके। हाँ माँ जी, अब तो मेरी भी आंखें दरवाजे की ओर टिक गई हैं कि कब मेरे पति आएंगे। जल्दी से माँ जी, हम दोनों उनका पसंदीदा खाना बना लेते हैं। हाँ बहू। दोनों सास बहू जल्दी से उसका पसंदीदा खाना तैयार कर लेती हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है, दोनों खुशी से दरवाजे को खोलते हैं तो देखते हैं कि युवराज के गले में एक बड़ी सी माला है। अरे बेटा तू आ गया, और ये क्या गले में इतनी बड़ी माला क्या कर रही है? दोबारा से शादी करेगा क्या मेरी बहू से? आप आ गए युवराज जी, पता है मैं आपको कितना याद कर रही थी, और आज मैंने आपके लिए खोए की खीर भी बनाई है। इच्छा की ये बात सुनकर राधिका उनके सामने आती है, जो कि बहुत मॉडर्न कपड़े और वरमाला पहने हुए कहती है, छी, ऐसी अजीब सी खोए की खीर कौन खाता है डार्लिंग? मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ये खाते हो। मुझसे तो उम्मीद भी मत करना कि मैं बना दूंगी। ओ कम ऑन राधिका, तुमसे मैं ये अजीब अजीब चीजें थोड़ी ना करवाऊंगा। बेटा ये सब क्या है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ यूवी जी, आखिर ये लड़की कौन है जो आपको डार्लिंग कह रही है? माँ, मैंने राधिका से शादी कर ली है, ये बहुत ही मॉडर्न है और मुझसे प्यार करती है, अब से यही मेरी पत्नी है। क्या, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को धोखा देकर दूसरी शादी करने की? तू जानता भी है कि तू क्या कह रहा है? क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं? ओ प्लीज, ये संस्कार का लेक्चर आप मुझे मत दीजिए, वैसे भी आप मेरी सौतेली माँ हो। ना ही मैंने आपसे प्यार किया, ना आपकी पसंद की लड़की से प्यार किया, मैं राधिका से प्यार करता हूँ और उसी के साथ रहूंगा। युवराज जी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपने दूसरी शादी क्यों की? तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती क्या? अरे युवराज बेबी, ये क्या रोना धोना लगा रखा है? देखो इतनी दूर से मैं तुम्हारे साथ इस घर में रहूंगी, तो सिर्फ अकेले मुझे ये दोनों औरतें नहीं चाहिए, इन दोनों को घर से बेघर कर दो। अगर मुझसे प्यार करते हो तो निकाल दो। सुन लिया आपने, मैं अपनी राधिका से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए आप दोनों यहाँ से निकल जाइए, वरना मुझे धक्के मार कर निकालना होगा। युवराज ऐसा मत कीजिए, हमारे साथ माँ जी कहाँ भटकेंगी, उन्हें तो रख लीजिए, मैं चली जाती हूँ। नहीं का मतलब नहीं। रहने दे बहू, हम तो उसके इंतजार में पागल हो रहे थे, लेकिन आज इसने साबित कर दिया कि सौतेला सौतेला ही होता है। आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? ऐसा कहकर वो दोनों उसे सुनाकर वहाँ से अपना अपना सामान बटोर कर चली जाती हैं। दो चार दिन तक इधर उधर भटकती रहती हैं और कहती हैं, बहू मेरे मन में तो कभी सौतेला शब्द आया भी नहीं, लेकिन मेरे बेटे ने इतने लाड दुलार करने के बाद भी मुझे सौतेली माँ बोल दिया, और तेरे साथ जो किया उससे तो मैं कह भी नहीं सकती। शहर जाकर वो इतना बदल जाएगा मैं जानती नहीं थी। माँ जी, जो होना था वो हो गया, भला उसे कौन टाल सकता है? अब तो हमें अपना सहारा ढूंढना होगा,
दो दिन से हम दोनों ने कुछ खाया पिया भी नहीं। मंदिर के पास विश्राम कर रहे थे, लेकिन अब तो कुछ देखना ही पड़ेगा हमें। तुम्हारी बातों से याद आया, तुम्हारे पापा जी पहले छोले भटूरे का काम करते थे। उस वक्त हम बहुत गरीब थे। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम भी छोले भटूरे का ही व्यापार कर लेते हैं। मुझे छोले भटूरे बनाने आते हैं। पर माँ जी, उसके लिए तो पैसे चाहिए और हम पर है ही नहीं पैसे। चिंता मत कर बहू, मैं सोने का कंगन अपने साथ लाई हूँ, इसे बेचकर हम व्यापार शुरू कर सकते हैं। ये कहते ही सास बहू उस सोने के कंगन को बेचकर छोले भटूरे का सामान और एक थैला खरीद लेती हैं, जिस पर छोले भटूरे बना रही थी कि खुशबू से ही सुबह सुबह उसकी दुकान पर दफ्तर वाले लोग आ जाते हैं। अरे माँ जी, जरा दो प्लेट छोले भटूरे लगा दीजिए, जल्दी करना, लेट हो रहा है। हाँ बेटा, करती हूँ, बहुत जल्दी से गरम गरम भटूरे बना। जी माँ जी। सुनिए, जरा मुझे भी एक प्लेट भटूरा दे दीजिए और मिर्च का अचार डाल देना। ये लीजिए। अरे वाह, आपके छोले भटूरे तो वाकई में बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया, आप और लेंगे भटूरे? हाँ जी, दे दीजिए। ऐसा कीजिए, 5 प्लेट मेरे घर के लिए भी पैक कर दीजिए। हाँ, आपके भटूरे तो वाकई में बहुत स्वाद वाले हैं, और आपने तो पनीर भी डाला है। आजकल कौन इतना अच्छा बनाता है, कितने पैसे हुए? 100 रुपए की 2 प्लेट है बेटा। ऐसे ही एक एक करके उसकी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक छोले भटूरे खाते हैं, और शाम से पहले ही सारे छोले भटूरे खत्म हो जाते हैं। अगले दिन भी बहू वही ठेला लगाकर छोले भटूरे बनाकर बेचती है। अरे आंटी, आपकी छोले से तो बहुत खुशबू आ रही है, जरा 2 प्लेट छोले भटूरे दे दीजिए। अभी देती हूँ बेटा। इच्छा बहू उसे भी भटूरे पैक करके दे देती है। अगले दिन दिवाली का त्योहार था, जिससे उसकी दुकान पर और भीड़ लग जाती है, और इच्छा कहती है, माँ जी आज तो 4 बार भटूरे का आटा बना दिया, फिर भी ग्राहक आए जा रहे हैं। मैंने कहा था ना बहू, छोले भटूरे का व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। तूने छोले तो उबाले रख दिए ना, आज तो रात तक छोले भटूरे बिकेंगे। जी माँ जी। इस तरह त्योहार की वजह से वो रात के 11 बजे तक छोले भटूरे बेच कर अपने घर आती है, तो इच्छा पैसे जोड़ कर कहती है, माँ जी माँ जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमने मात्र 2 दिन में 20,000 रुपए कमा लिए। छोले भटूरे से इतना सब क्या हो सकता है? हाँ बहू, जो दिल से मेहनत करता है, भगवान उसको ऐसे ही तोहफा देते हैं। देखना माँ जी, हम बहुत मेहनत करेंगे और एक दिन हमारे पास किराए की जगह अपना खुद का घर होगा। हाँ बहू, जरूर। 2 साल लगातार छोले भटूरे बेचने के बाद आखिरकार दोनों सास बहू अपनी मेहनत से एक बड़ा सा घर बना लेती हैं, और खुद की एक गाड़ी, साथ में एक प्यारा सा कुत्ता भी खरीद लेती हैं। इसके बावजूद अब उनके छोले भटूरे की 10 ब्रांच थी, साथ ही 5 ठेले जो अलग अलग जगह सास बहू के मशहूर छोले भटूरे के नाम से चल रहे थे। तभी वो कहती हैं, माँ जी आपने बिल्कुल सही कहा था कि हमारी मेहनत से आज हम पर एक सोने का कंगन तो क्या, सोने के हार झुमके भी हैं, जो कि आप पर इस वक्त बहुत अच्छी लग रहे हैं। तुझ पर भी बहू, अब जल्दी से गुप्ता जी के बेटे की शादी में चल, कैटरिंग में छोले भटूरे भी देखने हैं। जी माँ जी। दोनों कार में बैठकर शादी के वेन्यू तक पहुंच जाती हैं। जब वो कार से उतरती हैं, तो फटे हाल कपड़ों में युवराज अपनी माँ और पत्नी को देखकर कहता है, अरे ये तो माँ और इच्छा है, इतने अच्छे कपड़े पहने। मैं इनसे माफी मांग लेता हूँ, शायद ये मुझे माफ कर दें, क्योंकि अब तो मेरे पास कुछ नहीं रहा। माँ माँ, इच्छा, मैं युवराज हूँ, यहाँ देखिए माँ। युवराज उन दोनों को आवाज लगाता हुआ उनके पास पहुंच जाता है, और घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर कहता है, माँ इच्छा, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने उस औरत पर विश्वास किया। माँ मुझे अपना लो। कौन है तू और किस हक से हम दोनों को तू ये कह रहा है? मैं तो तेरी सौतेली माँ हूँ, और इच्छा से तू प्यार नहीं करता था, फिर काहे तेरी वो महबूबा जिससे तू बहुत प्यार करता था वो कहाँ है? माँ इच्छा, उसने मुझे धोखा देकर सारी जमीन और जायदाद हड़प ली, और मुझे घर से बेघर कर फरार हो गई। अब मैं सड़क पर आ गया हूँ, और मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है। युवराज, आपने जो माँ जी के साथ किया ना, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। एक बार आप कह देते, पर नहीं। देख युवराज, तू मैं तेरी सौतेली माँ हूँ जिससे तू प्यार नहीं करता, और जो जैसा बीज बोता है उसके साथ वैसा ही होता है, इसीलिए हम तुझे अपनी जिंदगी में वापस नहीं लाना चाहते। हमें हमारे हाल पर छोड़ दे,
जो तूने किया है वैसा ही अब तेरे साथ हो रहा है। बहु, हमें अपने कैटरिंग के लिए लेट हो रहा है, चल। जी माँ जी। इस तरह से युवराज को अपने किए की सजा मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर सास बहू बड़े ठाट बाट से अपने छोले भटूरे को आज भी बेचती हैं और अपने पालतू पिल्ले के साथ खुशी खुशी रहती हैं। रात का समय होता है, सुनसान से जंगल में एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी इज्जत के साथ मत खेलो, छोड़ दो मुझे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे तुझे, हैं? कितनी मुश्किल से तो तुझे लेकर आए हैं, आज तो तू हमारा भोजन बनेगी। चल भाई, इसको झाड़ियों की तरफ ले चल, अब वहीं इसका इलाज करेंगे। नरेश और कालू प्रिया को घसीटते हुए झाड़ियों की तरफ ले जाने लगते हैं। देखते ही देखते वो दोनों उसे बहुत बुरी तरह मार देते हैं, जिसके बाद प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है और उनके पैरों में गिरकर अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगती है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे किसी भी लड़की ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हमें लड़कियों से ही नफरत है, इसलिए हम तुम्हें मारना चाहते हैं। आज तो तू नहीं बचने वाली। ऐसा कहकर वे दोनों उसके साथ हाथापाई करते हैं। तभी एक भूत और चुड़ैल वहाँ पर प्रकट होते हैं और ये सब देख कर आपस में एक दूसरे से कहते हैं, अरे ये लोग इस बेचारी लड़की के साथ क्या कर रहे हैं? ये लोग ठीक नहीं हैं। हम इस लड़की को इन लोगों से बचाना होगा, चलो अभी इनकी खैर खबर लेते हैं। ऐसा कहकर भूत और चुड़ैल उन दोनों को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद कालू और नरेश भूत और चुड़ैल को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हे भगवान, ये क्या, ये तो भयानक भूत और चुड़ैल यहाँ पर प्रकट हो गए, ये दोनों यहाँ पर कहाँ से आ गए? अरे भाई, तेरे चक्कर में मैं भी फंस गया, अरे हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। ऐसे कैसे जाने दे तुम्हें, जो लोग दूसरे लोगों के साथ अत्याचार करते हैं हम उन्हें नहीं छोड़ते। अब तू हमारे हाथों से नहीं बच सकता। ऐसा कहकर दोनों भूत और चुड़ैल कालू और नरेश को उठा उठा कर पटकते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहीं मर जाते हैं। अपनी मदद एक भूत और चुड़ैल को करते हुए देख प्रिया उनसे कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आजकल के जमाने में तो इंसानों के अंदर इतनी इंसानियत ही नहीं कि वो किसी की मदद करे, लेकिन तुम भूत और चुड़ैल होने के बाद भी लोगों की मदद कर रहे हो। ये सुनकर भूत और चुड़ैल बहुत खुश होते हैं, जिनके बाद वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और प्रिया वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। भूत और चुड़ैल जैसे ही अपनी गुफा में पहुँचते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं, आखिर हम कब तक इस सांप और चुड़ैल के वेश में भूत बनकर यहाँ भटकते रहेंगे? जब तक हम हमारे पापों को धो नहीं लेते तब तक हम यहीं रहेंगे। वे दोनों आपस में अपने पापों की बात कर ही रहे होते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा था। चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। एक दिन की बात है, एक चिराग नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाइक पर बैठकर बहुत तेजी से जा रहा होता है। मुझे ऐसे हवा में बातें करना बहुत पसंद है, कितना मजा आ रहा है फुल स्पीड में बाइक चलाने में। और मुझे इस तरह खुल कर जिंदगी जीने में भी बहुत मजा आता है, मैं चाहती हूँ कि हम लोग हमेशा इसी तरह अपनी जिंदगी को जीते रहें। चिराग और अनामिका दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो जिंदगी को जीने के चक्कर में बहुत सारे गलत काम कर चुके थे। उनके पास जब पैसे नहीं होते थे तो वे दोनों चोरी करके अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन वो दोनों पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं, जहां वो एक तांत्रिक बाबा को तपस्या करते हुए देखते हैं। अरे वाह, देखो तो सही, यहाँ तो तांत्रिक बाबा तपस्या कर रहे हैं, चलो इनकी तपस्या भंग करते हैं। वो दोनों मिलकर तांत्रिक बाबा के सामने नृत्य करना शुरू कर देते हैं, जिसकी आवाज से तांत्रिक बाबा का ध्यान भटक जाता है और वो अपनी तपस्या छोड़ देते हैं, जिसके बाद तांत्रिक बाबा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अनामिका और चिराग को श्राप देते हैं। तुम दोनों ने मेरी कई सालों की तपस्या को भंग किया है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज के बाद तुम दोनों को मुक्ति नहीं मिलेगी और तुम्हें भूत और चुड़ैल बनकर लोगों की मदद करनी होगी और उनकी सहायता करनी होगी, तब जाकर तुम्हें एक दिन अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा उन्हें श्राप दे देते हैं, जिसके बाद अनामिका और चिराग दोनों भूत और चुड़ैल में बदल जाते हैं और दर दर भटकने लगते हैं। अपने किए का भुगतान करने के लिए वो लोगों की मदद करते हैं। इतने समय से हम लोगों की मदद कर रहे हैं और उन्हें बचा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें चुड़ैल और भूत से मुक्ति नहीं मिल रही। देखो, तुम चिंता मत करो,
जब हमारे पाप पूरी तरह धुल जाएंगे तो तांत्रिक बाबा का श्राप भी टूट जाएगा और हमें मुक्ति मिल जाएगी। तभी उन दोनों को एक अजीब सा एहसास होता है। मुझे लगता है कहीं पर खतरा मंडरा रहा है। मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है, चलो चलकर देखते हैं। वो दोनों गांव के चारों तरफ यहां से वहां घूमते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी गलत होता हुआ दिखाई नहीं देता। तभी एक रेलवे स्टेशन से बहुत जोरों से लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ 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 बचाओ। हे भगवान, अगर आज ये ट्रेन नहीं रुकी तो पता नहीं कितने लोगों की मृत्यु हो जाएगी। काश कोई इन्हें बचा ले, काश कोई चमत्कार हो जाए। जैसे ही भूत और चुड़ैल ये सब देखते हैं, वो तुरंत ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोगों को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसके बाद भूत और चुड़ैल ट्रेन को अपनी शक्तियों से रोकने की कोशिश करते हैं। देखते ही देखते वो दोनों ट्रेन को एक्सीडेंट होने से पहले रोक लेते हैं। आखिरकार हमने लोगों की जिंदगी बचा ही ली। हाँ हाँ, तुम सही कहती हो। आज अगर हम लोग सही वक्त पर ना आए होते तो पता नहीं कितने लोगों की जान चली जाती। भूत और चुड़ैल का ये बर्ताव देख वहाँ के सभी लोग उनका शुक्रिया अदा करने लगते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे, आज अगर तुम ना होते तो पता नहीं कितने सारे लोगों की जान चली जाती। अरे तुमने कई लोगों को एक नई जिंदगी दी है। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि तुम्हें अगले जन्म में फिर से इंसान का रूप मिले और तुम अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सको। उनके इतना कहते ही भूत और चुड़ैल इंसान के रूप में बदल जाते हैं, जिसके बाद भूत और चुड़ैल एक दूसरे को देखकर कहते हैं, आखिरकार हमारे पापा का प्रायश्चित हो ही गया और हमें श्राप से मुक्ति मिल गई। तुम सही कहती हो, ये सब इन लोगों की दुआओं का फल है, वरना हमें पता नहीं कितने सालों तक भूत और चुड़ैल के रूप में ऐसे ही भटकते रहना पड़ता। वो दोनों अपने बारे में लोगों को बताते हैं। उन दोनों के बारे में जब लोग सुनते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता। उस दिन के बाद से चिराग और अनामिका दोनों लोगों की मदद करते रहते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।